ड्रोन उड़ाना अब बच्चों का खेल नहीं रह जाएगा। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिए ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम जारी कर दी है। इसके तहत ड्रोन का सर्टिफिकेशन आसान लेकिन जरूरी होगा। ये नोटिफिकेशन नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी किया है। सरकार के मुताबिक नए ड्रोन नियमों से भारत की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ने में मदद मिलेगी। हर ड्रोन यूजर को एक बार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। इसमें ड्रोन के साथ साथ उसके मालिक और उसके पायलट का भी रजिस्ट्रेशन होगा। किसी भी येलो या रेड जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए पहले इजाजत लेनी जरूरी होगी, तभी ड्रोन को उस जोन में उड़ाया जा सकेगा। पहले ड्रोन को लेकर कई तरह के नियम थे और ड्रोन उड़ाने से पहले कई अप्रूवल लेने होते थे, जिन्हें अब रद्द कर दिया गया है। पहले ड्रोन की परमिशन के लिए 25 फॉर्म भरने होते थे, जिसे अब 5 कर दिया गया है। लाइसेंस से पहले कोई भी सिक्योरिटी क्लियरेंस की जरूरत नहीं है। शुल्क को न्यूनतम स्तर पर किया गया है। बुनियादी नियमों के उल्लंघन पर 1,00,000 रुपए तक का दंड रखा गया है। बता दें कि ड्रोन उड़ाने के लिए कई जोन तय किए गए हैं। ये जोन ऊंचाई के हिसाब से तय किए गए हैं। ये एक तरीके से ड्रोन उड़ाने के दायरे हैं। इसमें अगर आप ग्रीन जोन में यानी 200 फीट तक एयरपोर्ट से 8 से 12 किलोमीटर दूर ड्रोन उड़ाते हैं तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के जरिए सभी ड्रोन के रजिस्ट्रेशन करवाए जा सकते हैं। ड्रोन को ट्रांसफर करने और डी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को आसान कर दिया गया है। ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग अथराइज्ड ड्रोन स्कूल के जरिए दी जाएगी। DGCA ऑनलाइन माध्यम से ही पायलट लाइसेंस उपलब्ध करवाएगा। बता दें कि ड्रोन भी कई तरह के होते हैं। इसमें अगर आप नैनो ड्रोन उड़ाते हैं तो पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि कितने तरह के ड्रोन होते हैं। एक होते हैं नैनो ड्रोन्स। इनमें 250 ग्राम या इससे कम वजन वाले ड्रोन्स को शामिल किया गया है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के तहत इस तरह के ड्रोन को उड़ाने के लिए किसी भी तरह के लाइसेंस या इजाजत की जरूरत नहीं है। माइक्रो ड्रोन्स में 250 ग्राम से 2 किलोग्राम वजन वाले ड्रोन शामिल किए गए हैं। इसके अलावा 2 किलोग्राम से ज्यादा और 25 किलोग्राम से कम वजन वाले स्मॉल ड्रोन्स की कैटेगरी में आते हैं। इस तरह के ड्रोन को चलाने वाले शख्स के पास US ऑपरेटर परमिट 1 होना चाहिए। ड्रोन के पायलट को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस का पालन करना होगा। वहीं 25 किलोग्राम से ज्यादा और 150 किलोग्राम से कम वजन वाले ड्रोन्स मीडियम कैटेगरी में आते हैं, जबकि लार्ज कैटेगरी में आने वाले ड्रोन्स का वजन 150 किलोग्राम से ज्यादा होना चाहिए। इस तरह के ड्रोन को उड़ाने के लिए US ऑपरेटर परमिट 2 होना जरूरी है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।